Hello everyone, welcome to my channel MathVBN. Today I will share some tips how to be successful in mathematics. Before explaining those tips, make sure to subscribe my channel MathVBN. Let's start and look at those. First of all, tip number one, do your homework. Tip number one, do your homework regularly. Most of the time ऐसा होता है कि हम लोग homework को burden समझ रहे होते हैं, लेकिन ये actually burden नहीं होता. Homework जो है ये हमारी daily की practice होती है. अगर हम इसको daily basis पे properly करेंगे तो ये हमारे लिए helpful होगा और हमें 100% इसमें assurance होगी कि हम अपने math में successful हो सकते हैं अगर हम properly इस homework को proper time में perform करें. Tip number two है, math के related not miss any single class. Tip number two, very important, के never ever your miss your mathematics class. Sometimes ऐसे होता है कि हम 2 days absent रहते हैं math की class में. After third day में हम जाते हैं तो हमें वो समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि math जो है वो relative subject है. Means कि अगर आपने आज का काम किया है तो ही आपको कल का काम समझ आएगा, otherwise आपके लिए confusion create होंगी. तो make sure never ever miss your math class. Take your math class regularly. Tip number third is find your partner for math. This means that के आप अपनी क्लास में से कोई सा भी एक स्टूडेंट अपना फ्रेंड बनाएं जो कि मैथ में अच्छा हो, और उसके साथ आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें, और आपस में म्यूचुअल आप शेयरिंग करेंगे तो इसमें आपकी प्रॉब्लम 100% डिसॉल्व हो जाएगी. तो आपने इस टिप को भी अच्छी तरह से देखें कि आपने कोई सा भी एक पार्टनर फाइंड आउट कर लेना है क्लास में जो कि आपके लिए मैथ की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्पफुल हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे आपको ग्रुप में वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी. टिप नंबर फोर है मैथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, establish good relation with math teacher. Very important के जो आपका math teacher है आप उसके साथ एक अच्छा relation establish करें. कि whenever you find any difficulty in your subject तो आप उनसे पूछें, उनके spare time का उनसे time लें, उनसे समझे जाके अपनी problems उनको बताएं, वो आपकी problems को resolve करने में आपकी help करेंगे. इससे ये होगा कि आपको confidence build होगा और आपको concentration की भी opportunity मिलेगी. आप teacher के पास जब भी जाएंगे तो आप एक logical question लेके जाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो आपकी problem solve करेगा. और इस तरह से ये होगा कि गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश आप टीचर से करेंगे तो आपकी हर जो एवरी प्रॉब्लम्स है वो आई होप के रिजॉल्व हो जाएगी. फिफ्थ टिप है, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड मिस्टेक्स. Analyze and understand mistakes. Mostly ये होते हैं कि हम mistake करते हैं और हम उनको कभी भी analyze नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, जिससे ये होता है कि वो mistake at for the time being तो solve हो जाती है, लेकिन उसके बाद again and again in future में भी वो हमारे ऊपर dominate रहती है.
तो इसको इस टिप का मतलब ये है कि आपकी जो भी मिस्टेक हो आप उसको फर्स्ट एनालिसिस करें उसका कि ये क्यों हुई, और उसको अंडरस्टैंड करें कि कौन सी ऐसी ये बात थी कि मैंने इसमें मिस्टेक की। अगर आप उसको डीपली एनालाइज करेंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आई होप इन नेक्स्ट इन फ्यूचर वो आपकी मिस्टेक जो है वहां पे तो नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट वे है कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको उनका एनालिसिस करें और उनको अंडरस्टैंड करें। द सिक्स है आपका गेट हेल्प फास्ट। द सिक्स स्टेप टू बी सक्सेसफुल इन मैथमेटिक्स इज गेट हेल्प फास्ट। इट मीन्स कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको पेंडिंग ना करें, एट द स्पॉट इमीडिएटली आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। किसी से भी आप हेल्प लें, अपने कलीग से लें, अपने फ्रेंड से लें, अपने टीचर से लें, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को आप एट द स्पॉट इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें, उस प्रॉब्लम को वहीं पे आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट का मतलब भी यही है कि गेट हेल्प फास्ट, क्योंकि आप उसको परफॉर्म करें, अपने टीचर से हेल्प लें, स्टूडेंट से हेल्प लें, अपने कलीग से हेल्प लें, अपने होम ट्यूटर से हेल्प लें, जिससे भी आप हेल्प लें, लेकिन आप अपने उस कंफ्यूजन को रिमूव करें। द नेक्स्ट स्टेप जो है आपका सेवन स्टेप जो है आस्क क्वेश्चंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस इन ईच पर्सनैलिटी। तो आस्क क्वेश्चन, इट मीन्स के व्हेन एवर यू आर टेकिंग योर क्लास मेनी क्वेश्चंस आर रेजिंग इन योर माइंड। सम स्टूडेंट आर हेजिटेटिंग टू आस्क दोज क्वेश्चन विद योर टीचर, बट नेवर एवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। फाइंड अ राइट टाइम टू आस्क द क्वेश्चन वट एवर इन योर माइंड टू आस्क फ्रॉम योर टीचर योर क्लास टीचर टू टीचर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन। तो अपने टीचर से क्वेश्चन करें, आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है तो आप उनको क्वेश्चन करें, वो आपकी क्वेश्चंस को क्या उसका नाम परसीव करेगा टीचर, तो आपको सोल्यूशन देगा उसका। तो इससे ये होगा कि आप में क्वेश्चन पूछने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी रिजोल्व हो जाएगी। द नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारे पास है ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास नंबर एट अंडरस्टैंड वर्ड कैलकुलेटर इज डूइंग। एट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड व्हाट कैलकुलेटर इज डूइंग। हमने बहुत दफा देखा है कि हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करते हैं और विद इन अ सेकेंड हमें आंसर मिल जाता है। सिंपल टू सिंपल भी हम पुट करें, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी हम पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्टली हम अपना आंसर देते हैं, पुट करते हैं, टाइम गुजारे चलोगे। इस तरह से नहीं है, आप ये देखें कि अंडरस्टैंड करें कि कैलकुलेटर ये काम किस तरह से कर रहा है। वो एक मशीन है, हम वैल्यू पुट करते हैं वो हमें आंसर दे देता है फौरन। लेकिन ये नहीं है कि आंसर लिख लिया और आपने कर दिया इधर, आपको समझना होगा कि कैलकुलेटर ने आंसर किस तरह से दिया। आपको राइट सिंबल्स पुट करने होते हैं, आपको कैलकुलेटर में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उन सिंबल्स का आपने ख्याल रखना है। लेट्स सपोज सम बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि -3 स्क्वायर जो है उसको -9 ही लिख देते हैं। एक्चुअली राइट वे ये है कि -3 स्क्वायर ये 9 होता है। तो इट मीन कैलकुलेटर में भी हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इस तरह, लेकिन हमारा क्या होता है रॉन्ग हो जाता है, हम कह रहे होते हैं कि ये पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कैलकुलेटर जो है वो हमें आंसर देता है जो हम वैल्यू पुट करते हैं। हमें समझना होगा कि हमने कौन सी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करनी है और कैलकुलेटर ने किस तरह से जवाब दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, हमें समझने की बात ये है कि वो कैलकुलेटर में आंसर कैसे दे रहा है। और जो लास्ट एंड पे है
टीचर फॉर टीचर, टीचर एप्रिशिएट करे, टीचर मस्ट एप्रिशिएट द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर एप्रिशिएट क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स. टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो उसको अप्रिशिएट करें, आप उसको डिमोटिवेट ना करें, उसको मोटिवेट करें ताकि उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसकी इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो लर्निंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट करे. तो टीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रोल है जो स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर सकता है और उसको पॉलिश भी कर सकता है. तो टीचर जब भी स्टूडेंट आप क्वेश्चन करे तो टीचर को चाहिए उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे. द लास्ट है ये कि Tell the student the strength of the subject. Teacher के लिए important है कि वो student को subject की strength बताए, weaknesses ना बताए, उसका उसको स्कोप बताए सब्जेक्ट का. जितनी भी पॉजिटिव थिंग्स हैं वो स्टूडेंट को बताए सब्जेक्ट के मुतल्लिक, और जितनी भी उसकी नेगेटिव थिंग्स हैं वो अवॉइड करे, उनको नेगेटिवली क्रिएट ना करे. इससे ही होगा कि स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे सब्जेक्ट पे, कोई भी निगलेक्शन या नेगेटिविटी उनके माइंड में नहीं आएगी. इस तरह से स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेगा पढ़ने में. और आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको 10 टिप्स बताए हैं, इससे ये होगा कि श्योरली आप में मैथमेटिक्स में सक्सेसफुल रहेंगे. सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मैथमेटिक्स में अनसक्सेसफुल रहें. तो आप इन टिप्स को लर्न करें, देखें, इन पे कॉन्सेंट्रेट करें, और अगर ये आपके लिए यूजफुल हैं तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं, और मेरे चैनल मैथ VBN को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.